हम वापस आए हैं एक बार फिर से। हमने पहला वीडियो तो शूट कर लिया था, बट अभी तक ना तो हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया है और वो सब प्रोसेस अब हम करने वाले हैं। अल्सो मैंने बोला था कि वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा 16 को, बट जब हमने उठकर एडिटिंग करनी शुरू की तब हमें समझ आया कि ये कोई आसान काम नहीं है और उसमें मुझे 1.5 दिन लग गया। फाइनली आज है 17 तारीख, तो आज हम फाइनली बनाने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल। और डिस्कशन में कि नाम क्या रखा जाए, इस डिस्कशन में एक बहुत ही साझेदारी रही है इनकी। ये दिखना देख ये आना नहीं चाहेंगे वीडियो में, क्या नाम रखेंगे? तो लेट्स स्टार्ट। ये इनका सजेशन है, हमारे चैनल का नाम होने वाला है लेट्स स्टार्ट, क्योंकि लेट्स स्टार्ट सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने अकाउंट में लॉग इन करें, आप अपने राइट टॉप कॉर्नर में उस पर क्लिक करें, उसके बाद क्रिएट चैनल पे क्लिक करें। उसके बाद आपको कुछ मिलेंगे इंस्ट्रक्शन, गेट स्टार्टेड एंड देयर आर टू ऑप्शंस, तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके वी मूव अहेड। इसमें अभी हमें डालना है चैनल का नाम। जैसा कि आपने देखा, वी एग्रीड के हमारे चैनल का नाम रहने वाला है लेट स्टार्ट। चैनल का नाम रखेंगे लेट स्टार्ट। एज यूजुअल आपको यू एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय गूगल, सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन इट एंड क्रिएट। फाइनली ये फर्स्ट व्लॉग जो है ये जा रहा है लाइव, एंड लेट्स होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद तो आई गेस नहीं आएगा, बिकॉज आई नो बहुत सारे ऑडियो इश्यूज थे, बट यस अपने आप सुझाव दें एंड होपफुली चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे विद टाइम। हेलो गाइस, तो आज है 18 अगस्त। आज का दिन हमने पूरा अभी तक सिर्फ ऑफिस के काम में निकाला है। जिन लोगों को नहीं पता है, हम प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हमारा ऑफिस का काम चलता है, और उसके बाद अभी मुझे लगा कुछ कुछ तो मुझे शूट कर लेना चाहिए। अभी तक ऑफिस 5 बजे तक चला। उसके बाद पहला काम जो मैंने किया वो था लर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग, क्योंकि पहले व्लॉग में हमने देखा कि उसमें मुझे 1.5 दिन लगा एडिटिंग करने में, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। आई नो बहुत लोग बोलेंगे अरे क्या तो किया तुमने, उसमें इतना समय क्यों लग गया, पर हाँ तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ देखा, तो अब थोड़ी क्लैरिटी हो गई है। एक एडिट किया उसके बाद अब तो काफ़ी हद तक पता लग गया है कि कैसे चलता है, कौन से बटन से क्या होता है सॉफ्टवेयर में। बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइन से है तो सॉफ्टवेयर समझना इतना मुश्किल नहीं होता है, एटलीस्ट हमारे लिए। तो वो हो गया है अभी। उसके बाद अब मैं नहाने जा रहा हूँ। यस शाम हो गई है, अभी नहाने जाऊँगा और इसके बाद निकलेंगे कहीं बाहर और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, उसके अलावा ऑडियो इश्यूज़ की हमने बात की थी। ऑडियो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कुछ एक एक्सेसरी सर्च की। आई एम लिटिल कन्फ्यूज कि एक गिम्बल लेना चाहिए या फिर एक छोटे ट्राईपोड के साथ में उसके साथ माइक अटकाने के लिए वो सब लेना चाहिए, तो वो एक कन्फ्यूजन है। गिम्बल ले सकते हैं, गिम्बल के साथ क्लिप ले सकते हैं और क्लिप के ऊपर भी माइक लग सकता है, मतलब वो सब है एक प्लानिंग। बट हाँ, उसमें थोड़ा समय लगेगा बिकॉज डिलीवरी में एटलीस्ट 1 वीक बता रहा है। और मैं यहाँ बस लाइट ही देख रहा हूँ, ये बाहर से जो लाइट आ रही है ये परेशान कर रही है। यहाँ से रिफ्लेक्शन, यहाँ से करो, यहाँ से रिफ्लेक्शन। एनीवे, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो एक अपडेट था कि उस ऑडियो जो इशू था उसको रिजॉल्व करने पे काम चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हमें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, इस आईफोन से, इस पुराने आईफोन से। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। यस हाँ, तो गाइस अभी हम नहा धो के ताज़ा हो चुके हैं। पता नहीं दिखने में कितने नहा ताज़ा लग रहे हैं, बट हाँ अपने एंड से हमने कर लिया है स्नान। तो ये बालकनी है, सूर्यास्त भी हो चुका है। हेयर द सूर्यास्त लुक। तो अभी मुझे याद आया कि मैं शायद एक चीज़ भूल रहा हूँ, मेरे पास कैश नहीं था और मुझे कुछ बिल्स जमा कराने हैं और मुझे कैश निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी जल्दी से निकलूंगा और आसपास कोई एटीएम मशीन ढूंढूंगा। जनरली कैश की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मुझे नहीं पता आसपास एटीएम मशीन कहाँ मिलेगी। आई एम श्योर गूगल विल हेल्प मी। तो अभी वहाँ चलते हैं, लेट्स गो। ये जो है ये कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा
काम आने वाली चीज, माचिस की तीली। वैसे इसका कोई यूज नहीं है घर में, बट हाँ लिफ्ट के डोर ओपन करने के लिए ये काफी काम आती है, जिसको अब हम डस्टबिन में फेंक देंगे निकलते ही। कहाँ पर ये हम आपको अभी दिखाएंगे। ओह डोर कितनी स्नैच, पर किया कि मेरे फोन की बैटरी है 7%। 7% बैटरी में मैं जाकर वापस नहीं आ सकता, रास्ते में फोन बंद हो जाएगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। सो मैं वापस गया और मैं वापस जाके चार्जिंग वायर लेकर आया, और इस बीच में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया, और मीनवाइल बीवी का भी मैसेज आ गया दैट शी इज लेफ्ट फ्रॉम हर ऑफिस, सो आई हैव टू रश टू द प्लेस वेयर शी ड्रॉप्स ऑफ, बेसिकली ऑफिस तक ऑफिस से पिक नहीं करके आता मैं, उनकी बस है ऑफिस की जो एक पॉइंट पर ड्रॉप करती है, और वहाँ से मैं बेसिकली वाइफ को पिक करता हूँ। तो इस कारण से ये एक चेंज आया है। तो जो हम जाने वाले थे कैश निकालने, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार के लिए कैंसिल कर दिया गया, होपफुली बाद में जाएंगे वहाँ। काफ़ी सारे फाइंस लगे थे, आई मीन काफ़ी, अगर मैं नंबर की बात करूं तो कुछ ED 5000 के आसपास काफ़ी फाइन लगे थे एक्चुअली। तो एक्चुअली टाइम लगता है उस चीज़ को सीखने में कि आप यूज टू हो जाएं कि आप रोड पे साइंस पढ़े, साइंस एज इन डायरेक्शनल साइंस हो सकते हैं, या फिर स्पीड लिमिट के साइन हो सकते हैं, एमरजेंसीज के साइन हो सकते हैं, सो वो सब चीज़ें। तो इनिशियली वो सब आदत नहीं थी, बट धीरे धीरे आदत डाली है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है आई एम श्योर। अब मैं थोड़ा नोटिस करता हूँ, कुछ तो फैमिलियर रूट रहती है वहाँ, तो आपको वैसे भी याद ही रहता है कि उस रूट की स्पीड लिमिट्स क्या है, बट कभी कभी आप नए एरियाज में जाते हैं वहाँ पर आपको स्पीड लिमिट्स का पता नहीं होता, बट नाउ आई एंड अप नोटिसिंग द साइन बोर्ड्स, तो वो एक आपको ओवर द टाइम एक्सपीरियंस मिलता है।
यस, तो हम फाइनली आ गए हैं वापस घर बीवी को लेकर। ये रही हमारी बीवी। तो बीवी, हमें अभी तक मिले हैं टोटल 4 सब्सक्राइबर। क्या तुमने अपनी पर्सनल आईडी सब्सक्राइब किया? यस तो एक मैंने किया, एक इसने किया, तो 2 तो हम खुद ही हैं और 2 आई होप कोई अलग लोग हैं। उनको बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ ये आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप को पसंद आया तो भी सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं आया तो आप इसको शेयर करें। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हो सकता है आपको नहीं पसंद आया, बट आपके किसी जानने वाले को पसंद आ सकता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।